Good morning, everyone. Good morning, good morning. कैसे हो सभी लोग? Good morning. बस बढ़िया सोनाली. चलिए, लास्ट टाइम हमने इनपुट आउटपुट के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, फिर उसको आगे आज करते हैं ना, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट टाइम ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया था हमने, आप सभी जानते हो. ठीक है, याद है कितने क्वेश्चन किए थे? ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए था, किया या नहीं किया? 366 × 76, ये क्या कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ रहे होगा नितिन? 366 × 24. अच्छा अच्छा जो कल दिया था क्वेश्चन हो गया. ये लास्ट टाइम किया था ये क्वेश्चन है ना, जिसमें बिल्कुल अलग तरीके का यहाँ पे क्या पूछा हुआ था आपसे, इनपुट आउटपुट का मेथड पूछा हुआ था. हाँ, यहाँ तक हमने कर लिया था लास्ट टाइम. ये हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गए थे. ठीक है, आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14. जैसे मैंने आपको बोला था कि एक बार आप लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को, किया था ट्राई या नहीं किया था? बहुत सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था ये, तो उसमें जो कुछ ऐसा था भी नहीं. चलिए, किया था या नहीं किया था, तो अब ध्यान देना कैसे क्वेश्चन को करना है. देखो, इसमें आपको बोला है कि एक वर्ड अरेंजमेंट मशीन दे रखी है, वर्ड की फॉर्म में दे रखी है. और देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें आपको एक इनपुट के बस तीन ही स्टेप दे रखे हैं. बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, लॉजिकल क्वेश्चन है. एक इनपुट के क्या दे रखे हैं? तीन स्टेप दे रखे हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड और स्टेप नंबर थर्ड. ये दे रखे हैं आपको तीन स्टेप. और इसमें आपको ये बताया भी है इसने कि इसका जो लास्ट स्टेप है वो इसका क्या है, एक फाइनल स्टेप है. इसके एक क्या है, आउटपुट है. मतलब जैसा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था उसमें हमारे बहुत सारे स्टेप बनते जा रहे थे, कुछ लिमिट नहीं थी. मतलब कितने भी स्टेप आप उससे बना सकते थे. तो उससे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन है सिंपल क्वेश्चन. इसमें आपको ये कंफर्म कर दिया कि इसका जो थर्ड स्टेप है वो इसका क्या है, आउटपुट है. ठीक है, ये बताया हुआ है. और फिर इसके यहाँ पे आपको एक इनपुट देगा, उस इनपुट को आपको ऐसे ही बनाना है जैसे इसमें आप एनालिसिस करोगे. ठीक है, अब अगर देख पा रहे हो तो इस इनपुट के अंदर आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं. जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फैम, लिखा हुआ है ना, फिर लिखा हुआ है मस, टैन, सैन, विक, डिव और इट. इस तरीके से यहाँ पे वर्ड लिखे हुए. अब आपको ये देखना, जब मैंने आपको बेसिक तरीका बताया था कि इनपुट से आप जब आपको ये बता दिया उसने कि ये स्टेप नंबर थर्ड इसका फाइनल आउटपुट है, तो आप सीधा इनपुट से कंपैरिजन कर दो फाइनल स्टेप की. इनपुट से क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो जो उसका लास्ट स्टेप होगा. और जैसे ही आप उसकी कंपैरिजन करोगे लास्ट स्टेप से, तो आपको एक तरीका पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो वर्ड की अरेंजमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग में है ना. वर्ड की अरेंजमेंट आपको मैंने बताई हुई है कि वर्ड जो यहाँ पे लिखे हुए डिव, फैम, इट, मस, सैन, टैन, विक, आप इसको किसके अलोंग देखते हो? इसको फर्स्ट लेटर के अलोंग देखते हो है ना. फर्स्ट लेटर के अलोंग क्या हो सकता है, ये इसको असेंडिंग में भी लगा सकता है और डिसेंडिंग में भी लगा सकता है, हो सकता है. दूसरा ये हो सकता है कि इसमें नंबर ऑफ लेटर जितने हैं, जैसे इसमें तीन है, फिर तीन है, यहाँ पे जितने भी वर्ड दे रखे हैं तो नंबर ऑफ लेटर सब में तीन है, तो ये तरीका तो लग नहीं सकता. अगर सपोज करो यहाँ पे किसी वर्ड में तीन होते, किसी में पांच होते, किसी में छह होते, फिर तो उसको लगा देते. ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो तो इनपुट से जब स्टेप नंबर थर्ड की यहाँ पे कंपैरिजन करी, तो फर्स्ट वर्ड आप देख रहे हो तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है डीव, और डीव के बाद यहाँ पे आ गया फैम. मतलब देखो पहला जो वर्ड है वो डी वाला है और दूसरा जो वर्ड है वो एफ वाला है. और आपको पता है कि अल्फाबेट के अंदर पहले डी आता है, फिर क्या आता है, एफ आता है. और एफ के बाद आपको पता है कि थर्ड वर्ड के अंदर यहाँ पे क्या दे रखा है, आई दे रखा है. फोर्थ वाले वर्ड के अंदर यहाँ पे क्या दे रखा है, एम दे रखा है. फिफ्थ वाले के अंदर एस दे रखा है ना, पहला लेटर एस है. और यहाँ पे फिर टी है और यहाँ पे क्या है, वी है, फर्स्ट लेटर है ना. तो इसमें जितने भी वर्ड आपके ये लगाए हुए हैं, ये सारे इसने असेंडिंग फॉर्म में लगाए हुए हैं. सारे क्या लगाए हुए हैं, असेंडिंग फॉर्म में लगाए हुए हैं.
है ना फर्स्ट लेटर का जो पढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। तो एक नॉलेज यहाँ से एनालिसिस हो गया कि हमारा जो यहाँ पे इनपुट आउटपुट बनाई हुई है वो असेंडिंग फॉर्म में बनाई हुई है ना, असेंडिंग फॉर्म की है एनालिसिस ये आपने कर लिया। ये कब पता लगा? जब आपने इनपुट को डायरेक्ट कंपेरिजन कर दिया उसके लास्ट स्टेप से। लास्ट स्टेप मतलब जो उसने आपको यहाँ पे स्टेप दिखाया होगा। अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो अब ये स्टेप नंबर फर्स्ट कैसे बना, सेकंड कैसे बना, थर्ड तो पता लग ही गया कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ है, थर्ड तो आ ही जाएगा। लेकिन इनपुट से स्टेप नंबर फर्स्ट कैसे बना, बेसिक ही है ना। इनपुट से स्टेप नंबर फर्स्ट कैसे बना, इसने कुछ नहीं किया, ये जो वर्ड आपको इनपुट में दे रखे थे इसमें से इसने क्या किया, सबसे छोटा अल्फाबेट उठा लिया, मतलब जो अल्फाबेट में सबसे शुरू में आता है, फर्स्ट लेटर के अलोंग, है ना। जितने भी वर्ड आपको दे रखे हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है उनके अलोंग सबसे छोटा अल्फाबेट उठा लिया, और सबसे छोटा अल्फाबेट आपको पता है इन सभी वर्ड में सबसे छोटा अल्फाबेट है ये वाला डी, डी आई वी, है ना, क्योंकि डी सबसे पहला आता है, बाकी और सब इसमें जो भी लेटर दे रखे हैं वो बाद में आएंगे। तो इसने क्या करा, यहाँ से डिव को पहली पोजिशन पे शिफ्ट कर दिया, डिव को क्या किया, फर्स्ट पोजिशन पे इसने शिफ्ट कर दिया। अब जब डिव को इसने शिफ्ट कर दिया तो बाकी सभी लेटर को क्या रखा, इसने एज इट इज रखा। देखो ये भी एज इट इज रहा, डिव तो यहाँ से शिफ्ट यहाँ हो गया, तो फिर एम कहाँ चला जाएगा, सेकंड पोजिशन पे, मस्ट थर्ड पे पहुंच जाएगा, फिर टेन, फिर सैन, फिर विक, और इफ आपका एज इट इज हो गया। मतलब एक स्टेप के अंदर सिर्फ इसने एक वर्ड को चेंज किया है, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको पता है कि इस इनपुट के अंदर अब स्टेप नंबर फर्स्ट आपकी क्या हो गई, इनपुट हो गई, और स्टेप नंबर सेकंड आपको बनाना है। तो फर्स्ट से कैसे बनाया इसने सेकंड, फर्स्ट से इसने सेकंड बना रखा है। देखो ये ड्यू तो आपने लगा ही लिया था, ये आपका आ गया एजिटिस। फिर आपने देखा कि इस वाली स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर डी के बाद अल्फाबेट कौन सा आता है, एफ आता है, तो एफ तो यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक सेकंड पोजिशन पर आ रहा है, इसको तो आपको शिफ्ट करना नहीं पड़ा। लेकिन स्टेप कब बनता है, स्टेप जब बनता है जब आप किसी एलिमेंट को क्या करोगे, शिफ्ट करोगे। अगर आप किसी एलिमेंट को शिफ्ट नहीं कर रहे तो आपका स्टेप फॉर्मेशन नहीं होगी, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हो ना। तो जब ये अपने आप आ गया तो इसको बोलते हैं, इस वर्ड को हम बोलेंगे बाई डिफॉल्ट। बाई डिफॉल्ट का मतलब है कि ये वर्ड क्या हुआ, ये वर्ड अपने आप आ गया। तो F के बाद कौन सा वर्ड आएगा, F के बाद आता है आपका इनमें से, देखो F के बाद आएगा आई वाला। तो इस स्टेप को बनाने के लिए, सेकंड स्टेप को बनाने के लिए आपने क्या करा, ये जो आई वाला वर्ड है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, है ना। फिर बाकी अब जब तुमने एक वर्ड को शिफ्ट कर दिया तो स्टेप पूरा हो गया आपका, बाकी सभी वर्ड क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। ये सभी वर्ड क्या हो गए आपके, एज इट इज हो गए, हो गया। अब स्टेप नंबर सेकंड से जो थर्ड बनाया, आपने देखा कि पहला वर्ड डिव बना चुके हैं, फैम आ चुका है, यहाँ तक हमने स्टेप नंबर सेकंड में अरेंज कर लिया था। अब हमें पता है कि आई के बाद जो वर्ड आना है वो एम आना है, इस ऊपर की फॉर्म में जो दे रखा है एम आना है। यहाँ से देखो इन वाले लेटर के अंदर देखो एम टी एस वी, इनमें से कौन आना है, आई के बाद एम ही आना है, और एम जो है ये मस वाला जो वर्ड है ये अपने आप आ रहा है, इसको भी बोलते हैं बाई डिफॉल्ट, क्योंकि ये अपने आप आ गया। तो जो वर्ड अपने आप आ जाता है जिसको शिफ्ट नहीं करना पड़ता उसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, मतलब ऑटोमेटिक अपने आप जनरेट हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है कि एम के बाद कौन आएगा, एम के बाद आपको पता है लेटर में एस आता है ना। तो आपने ये सैन वाला टेन को छोड़ के सैन वाले को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, और जैसे ही शिफ्ट किया तो ये थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट, क्योंकि फिर बाकी लेटर क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। अब स्टेप नंबर फोर्थ बनाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्टेप नंबर थर्ड के अंदर जब आपने शिफ्ट सैन को यहाँ पे शिफ्ट किया था तो ये जो सैन के बाद आना था टी वाला लेटर और टी के बाद आना था यहाँ पे वी वाला, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आ गए थे। तो इसी वजह से यहाँ पे तीन स्टेप में आपकी इनपुट आउटपुट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इस इनपुट आउटपुट के आपके कितने स्टेप बने, सिर्फ तीन स्टेप बने, और तीन स्टेप में ये क्या हो गई, इनपुट आउटपुट आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, राइट, हो गया, पता लग गया सभी को, एनालिसिस को पता लग गया, आ गया आपको एनालिसिस करना, इस इनपुट आउटपुट का स्टेप एनालिसिस कैसे किया हुआ है, जल्दी से कमेंट करो, फिर क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। चलिए हो गया ना सभी का, चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे पूछा गया इस इनपुट आउटपुट के बिहाफ पे आपसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेगा इसका, इस इनपुट आउटपुट का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्या कर दूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अगर आपको ये इसको नोट करना है या आपको कैसे बनाया हुआ है, बस आपको ये पता लग गया कि इसको इसने बनाया था
असेंडिंग ऑर्डर में, ये तो आपको पता लग ही गया राइट, ये तो नॉलेज हो ही गई आपको कि इसने इस इनपुट आउटपुट को कैसे बनाया था, असेंडिंग ऑर्डर में बनाया था। चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है इस तरीके की इनपुट आउटपुट में, देखिए क्या कह रखा है आपसे, कह रहा है इफ सेकंड स्टेप ऑफ ए गिवन इनपुट इज, किसी इनपुट का सेकंड स्टेप आपको दे रखा है तो उसने पूछा है इसका फोर्थ स्टेप क्या होगा। तो आप एक चीज बताओ बेटा, जब आपको ये जो दे रखा है ये किसी इनपुट का क्या है, सेकंड स्टेप है, ये क्या है आपका सेकंड स्टेप है, तो जब आप क्या करोगे इसको बनाने के लिए, आप सीधा लिखोगे कि स्टेप नंबर सेकंड आपको दे रखा है और स्टेप नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सैन परो, ध्यान देना सभी को, आप कैसे बनाओगे देखो, हम जी आई एन और टर्न और यहाँ पे इन और टी, ये मत सोचना कि इस इनपुट के भी इतने स्टेप बनेंगे जितने आपने एनालिसिस किए थे, है ना, आप इसके क्योंकि ये बिल्कुल नई इनपुट आपको दी, आपको तो बस उस जो आपको दे रखा था उससे बस आपने ये सीखा कि उसको आपको बनाना कैसा है, एनालिसिस सीखा आपने उससे, अब इससे बनेगा कैसे, जैसे इसने कहा फोर्थ स्टेप बनाओ, तो बेटा फोर्थ से जाने से पहले तो आप थर्ड बनाओगे, और थर्ड कैसे बनाओगे, पहले आप इसको एनालिसिस करोगे कि इसके अंदर अगर देखा जाए तो इस पूरे स्टेप नंबर सेकंड के अंदर इसका जो सबसे पहला अल्फाबेट है वो कौन है, सी वाला है, तो सी तो ऑटोमेटिक इसमें सबसे पहला आएगा, तो सैन यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने पहले लगाया हुआ है, सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद इसमें आएगा आपका एफ, है ना, तो एफ वाला भी यहाँ ऑटोमेटिक लगा हुआ है ना, सैन एफ आर ओ दोनों ऑटोमेटिक लगे हुए, और एफ के बाद आपको पता है जी पहला आएगा, है ना, जी वाला क्या आएगा, पहला आएगा, तो ये तो आपके ऑटोमेटिक लगे हुए थे सेकंड स्टेप के अंदर, तो आपने जब थर्ड स्टेप इसका बनाया तो थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि एफ के बाद आने वाला अल्फाबेट क्या है, जी है, तो यहाँ पे जी को शिफ्ट करा दोगे, हम की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीन आ जाएगा, है ना, और एक स्टेप में एक ही वर्ड चेंज करना है, तो बाकी एज इट इज क्या रहेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, एच यू एम भी एज इट इज रहेगा, उसके बाद टर्न भी एज इट इज रहेगा ये, और यहाँ पे ये इन और फिर आपका लास्ट है टी, है ना, ये दोनों भी आपके क्या रहेगा, ये दोनों भी आपके एज इट इज रहेंगे, ठीक है, ये थर्ड बना लिया, फोर्थ स्टेप जब इसका बनाओगे तो ये सैन, ये तो आपने बना ही चुके हो, सैन परो एफ आर ओ और जी आई एन, है ना, ये तो बन ही गया था, और जी के बाद आने वाला लेटर क्या है, एच, है ना, तो एच ये जो हम वाला वर्ड है ये आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा बाई डिफॉल्ट, जिसको बोलते हैं ये क्या आ जाएगा, बाई डिफॉल्ट आ जाएगा, तो आपको फोर्थ स्टेप बनाने के लिए शिफ्ट तो करना पड़ेगा एलिमेंट को, तो फिर कौन से को शिफ्ट करोगे, फिर करोगे बेटा आपको पता है एच के बाद इसमें से टी बाद में आएगा, आई वाला पहला जाएगा, तो इनको पहले रखोगे और टर्न, है ना, इनको शिफ्ट कर लिया, बाकी आपका ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो अब ये देख लो ये फोर्थ स्टेप जो आपका निकला है यहाँ पे, ये कौन से स्टेप में दे रखा है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सैन फ्रोजिन और जिनके बाद हम टर्न इन टी, ना टर्न टी ये दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर ए में, है ना, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, सही हो गया, आ गया सभी को, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए सही हो गया, ठीक है, पता लग गया सभी को, जल्दी से बताओ, हाँ सेकंड क्लास जो एसएससी और यूपीएसआई वाले बैच वाले हैं उनके लिए आज सेकंड क्लास आपकी जीएस की है, आपको शेड्यूल आ गया होगा, ज्वाइन कर लेना 11:20 के आसपास उनकी क्लास है। हाँ बेटा मैं सेंटर में हूँ, मैम बताया था तो कल से आपकी क्लास सेंटर से ही चलेगी। अच्छा टर्न और टी में से कैसा पता चला कि पहले टर्न आएगा या टी आएगा, देखो फोर्थ स्टेप बनाने के लिए आपने जो शिफ्ट किया था वो इनको किया था, है ना, इनको तो शिफ्ट कर लिया था, अब आपने ये इन किसकी जगह लाए, इन लाए थे यहाँ पे आप टर्न की जगह, जब टर्न की जगह इनको लाए थे तो टर्न कहाँ पे चला जाएगा, इनके बाद चला जाएगा, तो टर्न पहले आएगा और टी तो बाद में था ही, वो तो बाद में ही रहेगा, अगर आप लेना चाहते हो तो ले लेना बेटा, वैसे है ना बैंकिंग बैंकिंग के लिए वैसे है नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि बैंकिंग में जीएस नहीं आता, वो यूपीएसआई और एसएससी वालों के लिए है, ठीक है, हो गया, नेक्स्ट पे चले, चलिए हो गया ना सभी का क्वेश्चन नंबर 14।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 में क्या पूछा हुआ है। सेम ऐसे ही दे रखा है, इसी तरीके से आपको बता रखा है। पहले मैं इसको रफ्तार कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है, इफ द कोड फॉर द फर्स्ट स्टेप इज, किसी इनपुट का फर्स्ट स्टेप आपको दे रखा है, वो कह रहा है व्हाट कोड बी द कोड ऑफ द फिफ्थ स्टेप, है ना। ये क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, ये जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, ये यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर लिखी हुई है क्वेश्चन की लाइन, इसमें ये जो दे रखा है ये फर्स्ट स्टेप है। अब अगर फर्स्ट आपको दे रखा है तो ऑफलाइन बेटा 15 तारीख से स्टार्ट होने के फुल चांस है, है ना, 15 से या 10 से आपके स्टार्ट हो सकते हैं ऑफलाइन बैच। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप दे रखा है और इसका आपको क्या निकालना है, फिफ्थ स्टेप आपको निकालना है, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो। आप कैसे निकालोगे, आप ये लिख के मत देखो, क्योंकि आपको जो लिखने वाला तरीका था वो आपने एक क्वेश्चन में करके देख लिया, प्रैक्टिस है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको पता है, पूरा एक बार पढ़ लो, एम डैक डा पाई कॉन सैम नील, है आपको पता है पहला स्टेप जब बनाया तो एम भी इसने शुरू में लिया होगा, है ना, पहला अल्फाबेट क्या है, एम भी आएगा, क्योंकि इसका शुरू का अल्फाबेट क्या है, ए है, तो एम तो आपका जुगतु रहेगा, है ना। सेकेंड स्टेप जब बनाओगे तो एम तो आपका जुगतु रहेगा, एम के बाद किसको लोगे, अब यहाँ पे डी दो बार आ रहा है, आपने देखा कि पहले यहाँ पे क्या आएगा, सी वाला आएगा, तो सेकंड में आप लोगे सी को पहले, इस कोन को क्या करोगे आप सेकंड में, ये आपने सेकंड स्टेप में चेंज किया, ये तो फर्स्ट स्टेप में चेंज हुआ होगा एम, सेकंड में किसको चेंज किया आपने, कोन को। जब आपने थर्ड स्टेप बनाया तो थर्ड में आपका ये एम कोन तो एज इट इज रह जाएगा, एम और कोन, कोन के सी के बाद कोन आता है, डी आता है, ना डी पहला आएगा उसमें। अब डी दो दे रखे है, एक तो डी डी ई के दे रखा है, क्योंकि पहले अल्फाबेट अगर सेम है तो फिर उन्हें लगाओ आप सेकंड अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, है ना, डी ई के और डी ए एच, तो यहाँ पे डी ए एच पहला आ जाएगा, राइट, डी ए एच वाला पहले आ जाएगा अल्फाबेट डी ए एच, है ना। जब फोर्थ बनाओगे तो ये एम कॉन, है ना, और डी ए एच एज इट इज रहेगा, और फिर उसके बाद कौन आएगा, डैक वाला आ जाएगा डी ई के। लेकिन आप खुद देखो डी ई के तो ऑटोमेटिक आ जाएगा जब फोर्थ स्टेप आप बना रहे होगे, भाई इसमें अगर तुमने इसको इस स्टेप को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो ये डैक तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये तो इससे पहले था ही, है ना, ये तो आना ही आना है बाद में, तो डैक तो बाई डिफॉल्ट आया होगा। हाँ डैक तो इसमें क्या आया होगा, बाई डिफॉल्ट आया होगा, ए एम एन बिल्कुल बाई डिफॉल्ट आया था, तो इसमें सेकंड स्टेप बनाने के लिए कौन को शिफ्ट किया था, तो आपने कौन को, जो कौन आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें नंबर पे था, इसको आप दूसरे नंबर पे ले तो आए थे, तो जब शिफ्ट कर दिया तो वो स्टेप कंप्लीट, है ना। ठीक है, तो डैक बाई डिफॉल्ट आया होगा, तो डी के बाद क्या आना है, डी के बाद आपको आना है इसमें, यहाँ पे कौन आएगा पहले, नीड आ जाएगा, एनईडी, एनईडी आ जाएगा फोर्थ स्टेप में, क्या रहेगा एनईडी पहला आ जाएगा, और फिफ्थ स्टेप में आपका क्या रहेगा, फिफ्थ स्टेप में ये आपका जुगतु रहेगा एम कॉन डी ए एच, क्योंकि ये तो आप कर ही चुके हो चेंज एनईडी, और एनईडी के बाद इसमें बचा एक तो पी ए आई बचा और एस ई एम बना, है ना, पाई और एस ई एम, है ना, तो पी पहला आएगा या एस पहला आएगा, और पाई जब पहला आएगा तो ये पाई बेटा यहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब यहाँ पे आपने नीड एनईडी को पहले ले लिया था तो ऑटोमेटिक इसके बाद यहाँ पे पाई आ चुका होगा, और पाई के बाद यहाँ पे क्या आ चुका होगा, एनईडी आ चुका होगा, राइट। तो फिफ्थ स्टेप आपका इसका बनेगा ही नहीं, ये फोर्थ स्टेप में ही आपकी इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ नहीं बनेगा, तो इसने देखो दे भी रखा है ऑप्शन में, देयर वुड बी नो फिफ्थ स्टेप, मतलब फिफ्थ स्टेप की आपको जरूरत है ही नहीं, बनेगा ही नहीं, है ना। तो फोर्थ स्टेप में जब ये आपकी कंप्लीट हो गई थी तो फिफ्थ आपका नहीं बनेगा, और स्टेप में इसने दे भी रखा है ऑप्शन में डी ऑप्शन की, आपका फिफ्थ स्टेप की कोई जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को, सेकेंड स्टेप में सी का चेंज ही किया था कोसे की, ये कौन लेके तो आए थे सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप इसने दे रखा था तो एम तो बाय डिफॉल्ट था ही, क्योंकि उसने वो फर्स्ट स्टेप में चेंज कर लिया था, तो सेकेंड में हम कौन को लेकर आए थे, थर्ड में हम डी ए एच को लेकर आए थे, देखो सेकेंड में इसको किया था, थर्ड में इसको शिफ्ट किया था, फोर्थ में ये बाई डिफॉल्ट आ गया था, ये तो बाई डिफॉल्ट आ गया था, फोर्थ में हमने किसको किया था, एनईडी को किया था, और जब फोर्थ में एनईडी को किया आपने,
तो फिर बाकी आपका ये यहीं पे कंप्लीट हो गई है ना, ये फोर्थ में ही आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, फिफ्थ की आपको जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर होगा देयर वुड बी नो फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप की आपको जरूरत नहीं है, राइट हो गया, जल्दी से बताओ आ गया समझ में कौशिक की। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, इस चैप्टर के बेटा पूरे कंप्लीट, मैंने इसका पूरा पूरी तरीके से पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने, चाहे बैंकिंग के भी आप तक हो, चाहे ऐसे आप यूपीएसआई के भी आप तक हो, और डेफिनेट लिख के दे रहा हूँ यूपीएसआई वालों के लिए, यूपीएसआई वालों के लिए जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपको वर्ड और नंबर का मिक्सचर आएगा, वर्ड और नंबर का मिक्सचर, जिसमें वर्ड भी हो गए और नंबर भी हो गए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस तरीके के करा दिए है ना। और जो बैंकिंग के पेपर दोगे तो बैंकिंग में उन्हें क्वेश्चन मिलेगा जो इससे पहले क्वेश्चन कराए थे, जो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा है ना, तो उस तरीके की क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, दोनों के लिए दिखा रहा हूँ किस तरीके का क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा। ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था इस तरीके का, जिसमें आपको बिल्कुल अनसर्टेन वाला पैटर्न निकला था, कुछ पता ही नहीं लग रहा था क्या करना क्या नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए मैंने ये वाला दिया था क्वेश्चन नंबर 6-10 और 11-13 वाला जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके यूपीएसआई और वर्ड आपके बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको घर के लिए दे दिया था कि आपको ये क्वेश्चन खुद बना के देखो, लेकिन पता नहीं आपने बनाया या नहीं किया वो आप जानते हो है ना, किसी का कोई कमेंट तो आया नहीं था, आपके टेलीग्राम पे किसी ने पूछा भी नहीं था कि सर उसका सोल्यूशन क्या है कैसे करना, अब वो आप जानते हो कि आप करते हो या नहीं करते। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कहा है इफ द कोड फॉर द सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप का आपको कोड दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप रीड एज, तो आपसे ये पूछा है कि अगर किसी इनपुट का सेकंड स्टेप ये हो, कौन सा, ए टी ओ फिर हर वाज ने रस मोट, अगर ये सेकंड स्टेप हो तो ये बताओ इसका जो स्टेप, ये वाला जो स्टेप बनेगा ये वाला, ये कौन सा स्टेप होगा है ना, ये कौन सा स्टेप होगा। तो जब आपको सेकंड स्टेप इसने दे रखा है, सेकंड स्टेप क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है, तो आपको ये देखना कि ये जो इसने बताया ये कौन सा स्टेप होगा, अब आप इसको बनाओ और जब बना लोगे तो अपने आप पता लग जाएगा ये कौन सा स्टेप होगा, ये कौन सा है, ये सेकंड है। जब थर्ड इसका बनाओगे तो आपको पता है ए टी ओ एज इट इज रहेगा, पर भी एज इट इज रहेगा, और इसके बाद यहाँ पर कौन आने वाला है, एच ए आर बी, ये वाला भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि अल्फाबेट के अलोंग ये अपने आप ऑर्डर में लगे हुए हैं है ना, ए एफ एच, और एच के बाद इसमें से आपको पता है इसके बाद इसमें से आएगा एम वाला। थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप, एम ओ टी को पहले ले लोगे और फिर ये आपका एज इट इज, डब्ल्यू ए जे एन ई एच और आर यू एस है ना, हो गया। अब क्या करोगे, फोर्थ स्टेप इसका बनाओगे, क्योंकि थर्ड स्टेप में तो ये मिल नहीं रहा आपको, तो थर्ड तो नहीं हो सकता, फोर्थ में बनाओगे तो फोर्थ में ये आपका यहाँ तक आप जहाँ तक बना चुके हो उसको एज इट इज लिख लो, तो फिर आप किसको ले आओगे, ये एम के बाद एन पहले आना है तो इसको यहाँ पे ले आओगे, एन ई एच डब्ल्यू ए जे और आर यू एस, ठीक है, तो ये कौन सा स्टेप बनेगा, ये आपका बनेगा फोर्थ स्टेप है ना। तो फोर्थ स्टेप में आपको यही दे रखा है ए टी ओ एफ आई आर एच ए आर एम ओ टी एन ई एच डब्ल्यू ए जे आर एस, देखो ये आपका ये जो इसने दे रखा था क्वेश्चन में, ये कौन सा स्टेप बना आपका, फोर्थ स्टेप, तो आंसर वो लगा दो जो आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, फोर्थ हो गया। कौन सी बुक आपके पास,
क्वेश्चन नंबर 16 करा तो दिया था मैंने, सुना ली। क्वेश्चन नंबर 16 कराया नहीं था, अभी तो कराया था क्वेश्चन नंबर 16। तो ये पहले ही बताओ 17 हो गया। चलिए बस 16 भी देख लो, बस 16 नहीं हुआ तो 16 देख लो, कोई बात नहीं। अरे रस पहले कहाँ जाएगा, रस तो आपको जरूरत ही नहीं है इसमें, रस को पहले लाने के लिए अक्सर ध्यान तो दो क्वेश्चन पे। ये आपको जब आपको उसने ये दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है यहाँ पे, ये वाला स्टेप उसने पूछा है, ये बताओ ये जो स्टेप यहाँ पे दे रखा है ये कौन सा स्टेप बनेगा। तो आपको वाज और रस को तो छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने जब यहाँ पे स्टेप नंबर 3rd से 4th बनाया था तो NEH वाला पहले आ गया, ये आ गया था, तो फिर ये आपके एज इट इज रहेंगे ना, ये आपके क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। अब जब ये एज इट इज रहेगा तो तुम्हारा ये जो आपने 4th स्टेप बनाया यही इसने यहाँ पे दे रखा है, तो ये कौन सा लास्ट स्टेप बना, 4th बना है ना, तो उसकी जरूरत ही नहीं थी आपको। हाँ अगर वो आपसे ये कहता है कि इस जो सेकंड स्टेप आपको दे रखा है इसकी फाइनल आउटपुट निकाल लो, फिर आपकी बात सही है, फिर ये RUS पहला आ जाएगा, WAJ वाला बाद में चला जाएगा, ठीक है। और इसमें कितने फाइनल, अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में वो ये कहते हैं इसके फाइनल आउटपुट बताओ, फाइनल आउटपुट क्या होगी, तो इसका स्टेप नंबर 5th इसका फाइनल आउटपुट बनेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ तक तो इसको लगा चुके हो, तो पहले W से पहले RUS आएगा, RS पहले आ जाएगा, WAJ बाद में आएगा। तो अगर आपसे पूछते हैं इसका फाइनल आउटपुट क्या बनेगी, तो फाइनल आउटपुट ये बनती इसकी 5th स्टेप वाली। और अगर ये पूछता तो इसे कितने स्टेप की जरूरत है कंप्लीट करने के लिए, तो कंप्लीट करने के लिए 5th स्टेप की आपकी जरूरत पड़ती, राइट? ठीक है, चलो अब आ जाओ जो आप कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 16 छूट गया, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लो। यही तो कहा था क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, नहीं कर सकते। आपको दे रखा है इफ द कोड ऑफ द इनपुट, इनपुट आपको दे रखी है, तो ये पूछा 3rd स्टेप क्या होगा। अब देखो इसको डायरेक्ट आप यहीं से बना सकते हो, जरूरी नहीं आप इतना पेन और पेपर यूज करो। हाँ डायरेक्ट आप इसको बना सकते हो, बताओ कैसा बनाना है। अच्छा ये 18 है का, ये लो 16। इसने क्या कह रखा है, इसने कह रखा है द कोड फॉर द इनपुट इफ द स्टेप नंबर 4th, है ना। अब ये क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कोड फॉर द इनपुट, है ना। इनपुट का कोड आपको पूछा है कि इनपुट का कोड बताओ, इनपुट का कोड क्या होगा, इनपुट का कोड आपसे पूछा है जबकि आपको 4th स्टेप दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, 4th स्टेप दे रखा है, तो आपको स्टेप नंबर दे रखा है 4th। अब जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन के लिए, स्टेप नंबर 4th आपको क्या है, गिवन है, और आपसे ये पूछा है, स्टेप नंबर 4th गिवन है और आपसे ये पूछा है कि जब स्टेप नंबर 4th आपको दे रखा है तो इसकी इनपुट क्या होगी, आउटपुट नहीं पूछे कि इसकी आउटपुट क्या होगी, है ना, उसने पूछा इसकी इनपुट क्या होगी। तो आप खुद देखो स्टेप नंबर 4th अगर आपको दे रखा है, इनपुट से अगर आउटपुट पे जा रहे हो तो हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, हर क्वेश्चन में आपकी आउटपुट निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आउटपुट से आपको इनपुट निकालनी है, आउटपुट से इनपुट निकालनी है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था जब आपकी ऑफलाइन क्लास थी तो उसमें मैंने कुछ बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक कॉन्स्टेंट पैटर्न के बेस पर होते हैं, तो उसके अंदर तो आपकी कभी भी इनपुट आउटपुट से इनपुट नहीं निकलेगी। लेकिन हाँ अगर पैटर्न अलग अलग लग रहा है इस स्टेप के अंदर तो आपकी इनपुट डेफिनेट निकल जाएगी, बताया हुआ है आपको। तो स्टेप नंबर 4th आपको दे रखा है और इसकी इनपुट आपको निकालनी है, तो इनपुट स्टेप नंबर 4th का मतलब एक आउटपुट आपको दे रखी है, हाँ सेम सीक्वेंस ऑर्डर, और इनपुट अगर आपको निकालनी है तो इनपुट इस क्वेश्चन की नहीं निकलेगी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कैन नॉट डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर D। जबरदस्ती मत करना क्वेश्चन के साथ कि नहीं निकलेगी इनपुट, निकलेगी इनपुट कैसे निकाल लोगे आप, है ना, क्योंकि कुछ नहीं पता
आगे तो आप बनाते हुए जा रहे हो, आपको पता है कि शुरू से चले तो असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, लेकिन अगर आगे से जाके आप फिर वापसी आओगे पीछे तो वो मुश्किल है ना, सेम सीक्वेंस ऑर्डर राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया कैन नॉट डिटरमाइन, क्यों? क्योंकि स्टेप नंबर 4th एज एक आउटपुट है और हमें इसकी इनपुट निकालनी थी ना, सेम सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो कर रहा है इसलिए इसकी इनपुट नहीं निकल सकती। कैन नॉट डिटरमाइन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राइट। अब आ गया समझ में क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आ गया तो फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 18 बस एक लास्ट क्वेश्चन रहता है इसका 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है इफ द कोड फॉर द इनपुट इज, किसी इनपुट का कोड आपको दे रखा है ये यहां से लेकर यहां तक, कह रहा है व्हाट वुड बी द कोड फॉर द थर्ड स्टेप, है ना। इसका ये पूछा है कि अगर किसी इनपुट ये है तो देखो यहाँ पे आपको इनपुट दे रखे, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो, टी ओ डी इनपुट ये दे रखी थी, टैक्स टी आई एल आई डी ई एन ओ एल एल यू एस और आर ओ एस, ये आपको क्या दे रखी है, एक इनपुट दे रखी है। उसने पूछा इसका स्टेप नंबर फर्स्ट कुछ बनेगा, फर्स्ट से सेकंड कुछ बनेगा और सेकंड से थर्ड, तो जो थर्ड बनेगा वो बताओ वो क्या क्या बनेगा। तो आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे आप एक एक को लिख के देखो, आप सीधा कॉमन सेंस लगाओ कि इन सभी में ये जो ऊपर वर्ड दे रखे हैं इनपुट के, आप इन सभी में ये देखो कि जब फर्स्ट स्टेप बनाया होगा तो सबसे छोटा अल्फाबेट शुरू में रखा होगा, है ना। और सबसे छोटा अल्फाबेट मतलब जो सबसे पहले आने वाला अल्फाबेट है वो है आई डी ई, तो आई डी ई तो आ गया फर्स्ट स्टेप में, तो आई डी ई के ऊपर लिख दो फर्स्ट स्टेप, मतलब आई डी ई को हमने क्या करा फर्स्ट स्टेप में चेंज कर लिया। सेकेंड स्टेप में किसको चेंज करा होगा, सेकेंड स्टेप में हमने किसको लिया होगा, आई डी ई के बाद देखो इसमें कौन आएगा, एल यू एस, है ना, कौन आएगा एल यू एस, तो ये एल यू एस आ गया आपका सेकेंड स्टेप में, तो एल यू एस के ऊपर लिख दो डायरेक्ट सेकेंड स्टेप, कि एल यू एस किस में चेंज हुआ, सेकेंड स्टेप में। अब बात आती है थर्ड में कौन आएगा, है ना, तो थर्ड में कौन आएगा, थर्ड में आप खुद देखो एल यू एस के बाद इसमें आने वाला है NOL, क्योंकि NOL से पहले जब तक ये नहीं लगेंगे तो तब तक NOL को यहाँ पे शुरू में तो नहीं ला सकते, तो NOL को शुरू में लाने के लिए आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। IDE LUS ये तो आप लगा ही चुके थे सेकंड स्टेप में, तो यहाँ पे कौन आ चुका, NOL आ चुका, और NOL के बाद फिर ये जितने यहाँ पे बचे ये तीनों और एक ये ROS, ये आपके चुके थे टैक्स टील और आर ओ एस राइट। अब देख लो ये कौन सा यहाँ पे कौन सा दे रखा है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी या ई, एल यू एस ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर एन ओ एल टी ओ डी आई डी एल यू एस, ये आप इसमें मैच करो सी ओ डी में, आई डी एल यू एस टी ओ डी, ए नहीं हो सकता बी नहीं हो सकता, सी में अगर देख रहे हो तो एन ओ एल टी ओ डी आ गया, ये भी नहीं हो सकता सी, और फिर आपका डी भी नहीं हो सकता, है ना। तो एन ओ एल के बाद यहाँ पे टी ओ डी टी ई एक्स टी एल ये आएगा पहले, है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर लग गया ई, नन ऑफ दीज, मतलब वो ऑप्शन आपको दे ही नहीं रखा जो आपका यहाँ पे थर्ड स्टेप बन रहा है राइट। हो गया क्लियर, हो गया राइट, ई ऑप्शन आपका हो गया, नन ऑफ दिस ये आपका सही है, यहाँ सिर्फ वर्ड की अरेंजमेंट दे रखी थी और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ लेवल में इसने कुछ भी पूछा था, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखे थे। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत जल्दी से बना सकते हो, ठीक है, हो गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है, पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी आपके एप्लीकेशन में भी और टेलीग्राम पे भी पड़ी है ये इनपुट आउटपुट के नाम से। ये क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 19-23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएसआई के लिए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वर्ड और नंबर दे रखे हैं, वर्ड और नंबर का तरीका आपको ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से 23 और आपका
ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करना, इसमें भी यही दे रखे हैं 24 से 28 वर्ड और नंबर दे रखे हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है और दोनों क्वेश्चन आपको ये ट्राई करके देखने हैं, ठीक है। इसलिए एक्सरसाइज लिखा हुआ है, खुद से करना। जितना नया हो सकता था इनमें क्वेश्चन और नए नए तरीके के आ सकते थे, वो सब मैं करा चुका हूँ। अब इसका ये मत कहना कि ये क्वेश्चन रह गया या वो रह गया, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितने क्वेश्चनों की करते हो बुक से, है ना। बुक से प्रैक्टिस लगा दो, इनपुट आउटपुट की, ठीक है। सेकंड क्लास ज्वाइन कर लेना भाई, यूपीएसआई और एसएससी वाले। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछना है। सेंड कर देना टेलीग्राम पे, मैं भेज दूंगा सॉल्यूशन आपको। अच्छा इसका क्वेश्चन बताना है, इसका ये वाला क्वेश्चन देखो, जब वर्ड और नंबर में होता है तो मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया हुआ है कि आप ये देखो पहले इसने नंबर को लिया या वर्ड को लिया, है ना। अगर पहले नंबर ले रहा है तो फिर वर्ड लेगा, फिर नंबर लेगा, फिर वर्ड लेगा, फिर नंबर लेगा, फिर वर्ड। नंबर असेंडिंग में भी हो सकते हैं, डिसेंडिंग में भी, ऐसे ही आपके वर्ड भी असेंडिंग में हो सकते हैं और डिसेंडिंग में भी हो सकते हैं। पहली क्लास याद करो ऑफलाइन की, उसमें सब तरीके लिखवाए हुए हैं कि जब वर्ड और नंबर दे रखे होंगे तो उसको कैसा करना है, बिल्कुल उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करना, नहीं होता तो फिर मुझे टेलीग्राम पे सेंड करना। पीडीएफ ऑलरेडी आपके टेलीग्राम ग्रुप एप्लीकेशन के अंदर पड़ी है, डाउनलोड कर लो और ट्राई करो। नहीं होता तो कमेंट कर देना, फिर मैं बताऊंगा टेलीग्राम पर, आपको सॉल्यूशन शेयर करूंगा लिख के कि कैसे कैसे आपको करना है, राइट। चलिए, ओके, बाय बाय।